26/11 दोहराने की थी साजिश। महाराष्ट्र की तरफ बढ़ चली थी नाव, भारत आ रहा था हथियारों का जखीरा। क्या एक हादसे ने फेर दिया आतंकियों के इरादों पर पानी? नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मुंबई में हुए 26/11 हमले के जख्म अभी पूरी तरह से भरे भी नहीं हैं कि एक बार फिर महाराष्ट्र में आतंकियों ने एक बड़े हमले की साजिश रच डाली थी। गुरुवार 18 अगस्त को रायगढ़ पुलिस को हथियारों से भरी दो नाव मिली, जिसमें भारी मात्रा में AK-47 और अन्य हथियार बरामद हुए। ये नाव रायगढ़ जिले के हरिहरेश्वर बीच पर मिली है। सूत्रों की माने तो इरादा 26/11 जैसे एक और हमले को अंजाम देने का था, मगर समुद्र के बीचों बीच हुए एक हादसे ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दहशत की नाव। दरअसल हुआ यूं कि सागर की लहरों में बहते बहते दो नाव मुंबई से सटे रायगढ़ के समुद्री किनारों तक आ पहुंची। किसी मछुआरे ने देखा कि नाव में हथियार पड़े हैं, तो इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। ये बोट UK में रजिस्टर्ड है। सूत्रों की माने तो ये बोट ओमान के पास डिस्ट्रेस में थी, तभी इस बोट के लोगों को ओमान में रेस्क्यू किया गया था, जिसके बाद ये बोट वहां से पानी में एंकर की गई थी, जो बहते बहते रायगढ़ आ गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये बोट बहते बहते महाराष्ट्र में आ गई है, इसमें कुछ डिसमेंटल हथियार मिले हैं। क्या कहती है महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले पर? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है, एक नाव ऑस्ट्रेलियाई नागरिक की है। लेडीहान नाम की ये नाव ऑस्ट्रेलियाई महिला की है, जिसके पति जेम्स हर्बर्ट नाव के कप्तान हैं। समुद्र में नाव का इंजन फट गया था, एक कोरियाई नाव ने लोगों को निकाला। ये नाव अब हरिहरेश्वर समुद्र तट पर पहुंच गई है। नाव से 3 AK-47 राइफलें और बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस मिले हैं। आगामी त्योहार सीजन को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। क्या बड़े हमले की थी साजिश? नावों से 3 AK-47 गन और 248 जिंदा कारतूस मिले हैं। इन दोनों नावों में पुलिस को कोई आदमी नहीं मिला है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आतंकी महाराष्ट्र में किसी बड़े हमले की साजिश कर रहे हैं, इसीलिए वे समुद्र के रास्ते इन हथियारों को रायगढ़ लेकर आए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नावों का मालिक कौन है और ये यहाँ तक कैसे पहुंची। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और ताजा खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।